साहब कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो वीडियो है वो मानव अभिवृद्धि एवं विकास का अगला जो पार्ट है इसी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। और जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा विषय शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी से रिलेटेड है, जो क्लास बी ए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र से है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि मानव अभिवृद्धि एवं विकास, तो इसमें जो हमारा अगला आज का टॉपिक है उस टॉपिक का जो हमारा उद्देश्य है, जो पहला उद्देश्य है मानव विकास में होने वाले परिवर्तन, दूसरा है विकास के आधार, तीसरा है विकास के कारण और चौथा है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारण, यही इन टॉपिक का हमें अध्ययन करने का आज का इस वीडियो में उद्देश्य है। ठीक है, अब हम आपका ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आपको अभी बताया गया है कि विकास में होने वाले जो परिवर्तन है कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हरलाख महोदया है, ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक है या आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने ये बताया कि विकास में मुख्यतः चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं। किसने बताया है? हरलाख महोदया ने बताया। और इन्होंने बताया कि बालक के अंतर्गत विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं? दृष्टिगोचक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जो परिवर्तन होते हैं इसको हम एक बार जानते हैं इस वीडियो में। जो पहला परिवर्तन है वो है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? हमें यहाँ पे दो शब्द देखना है, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन का तात्पर्य क्या? बालक के लंबाई चौड़ाई भार इत्यादि में जो होने वाला परिवर्तन है वह परिवर्तन क्या कहलाता है? शारीरिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और इस परिवर्तन के आधार पर क्या होता है? बालक का विकास होता है। ठीक है, अब इसी में क्या होगा, ये हो गया शारीरिक, अब हमें देखना है कि मानसिक, मानसिक परिवर्तन क्या होता है? कि जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है, तो बालक का विकास होता है तो उसके बिहेवियर में परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शब्दकोश, ठीक है, तर्क करना, चिंतन करना, ठीक है, कल्पना करना इत्यादि प्रकार के मानसिक परिवर्तन भी हमें दिखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक में जो मुख्यतः चार प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसमें पहला परिवर्तन आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन में शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं लंबाई चौड़ाई भार इत्यादि में परिवर्तन दिखने को मिलते हैं, जबकि जो मानसिक परिवर्तन होते हैं वो बालक के भाषा शब्दकोश तर्क क्षमता, हम कह सकते हैं कि चिंतन कल्पना शक्ति इत्यादि में परिवर्तन दिखने को मिलता है, जो आकार में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो परिवर्तन है वो है परिणाम में परिवर्तन, इसे हम अनुपात में परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, अब अनुपात में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? अनुपात में परिवर्तन का तात्पर्य है कि बालक के शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाएं एक सामान्य अनुपात में विकसित नहीं होती। क्या होता है कि बालक के शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी एक समान रूप में विकसित नहीं होती हैं। विकसित होने का सबका क्या है? अपना अपना अनुपात है। उन अनुपात में क्या होते हैं? उनमें वृद्धि होती है और वो जो गतियां होती हैं वो तीव्र भी होती हैं और धीमी भी होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बालक के शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का जो अनुपात होता है और विकसित होने का जो गति होती है वो क्या होती है? धीमी होती है। लेकिन एक नवजात शिशु में, ठीक है, जन्म लेने के उपरांत जो शिशु होता है उसके शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का जो अनुपात होता है बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास में जो होने वाले परिवर्तन है वो अनुपात में परिवर्तन है, और अनुपात में परिवर्तन का तात्पर्य बालक के शरीर के विभिन्न कोशिका में एक समान अनुपात में विकसित न होकर के क्या होते हैं? एक दूसरे के अनुपात में विकसित होते हैं, जिसमें शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का जो विकास होता है वह धीमा होता है। ठीक है, अब उसके बाद से हमारा जो अगला परिवर्तन है वह परिवर्तन है नई विशेषताओं। हमारा जो परिवर्तन है वो क्या है? नई विशेषताओं।
नई विशेषताओं का उदय, ठीक है। अभी इसमें देखना है कि नई विशेषताओं का उदय का तात्पर्य क्या है, कि जब बालक का विकास होता रहता है तो विकास होने के साथ साथ जब यानी कि बालक सहस्यावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाता है, तो उस बालक के अंदर अनेक प्रकार की नवीन योग्यताओं का विकास होता है, नवीन नवीन प्रकार की विशेषताओं का विकास होता है, नवीन गुणों का विकास होता है, नवीन आकृतियों का विकास होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब बालक सहस्यावस्था में होता है तो उसके चेहरे का जो आकार होता है, जो रंग रूप होता है, वह बाल्यावस्था में जाने पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और नई प्रकार की आकार, नई प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर आ जाती हैं। अस्थाई दांत आने लगते हैं, दाढ़ी मूछे इत्यादि प्रकार की नई विशेषताओं के साथ उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन को हम विकास के परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी में जो हमारा अगला परिवर्तन है जिसे हम चौथे परिवर्तन के रूप में जानते हैं, वो है पुराने अंगों का गायब होना या पुराने अंगों का क्या होना, लोप होना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहस्यावस्था में जिस रूप में बालक दिखता है, बाल्यावस्था में जिस रूप में बालक दिखता है, तो अगली अवस्थाओं में क्या होता है, उसका रूप आकार परिवर्तन क्या हो जाता है, परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन का तात्पर्य क्या है कि ज्यो ज्यो बालक का विकास होता रहता है तो उसकी पिछली अवस्थाओं की अपेक्षा अगली अवस्थाओं में क्या होता है, कुछ पुरानी जो आकृतियां होती हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जिसके माध्यम से हम क्या कह सकते हैं कि जब बालक में परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन के आधार पर बालक के अंतर्गत जो भी पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी विशेषताएं होती हैं, पुराने रूप आकार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे लोप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें वो है विकास के आधार। क्या है विकास के आधार, बालक का जो विकास होता है तो इसके मुख्यतः आधार क्या है, किस आधार पे बालक का विकास होता है। तो विकास के मुख्यतः दो आधार बताए गए हैं, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम क्या है, माता पिता के द्वारा प्राप्त जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं और उस गुण के आधार पर बालक का क्या होता है, विकास होता है, और गुणों को हस्तांतरित करने वाला जो तथ्य होता है उसे हम पैतृक या जिन्स के नाम से जानते हैं। यानी कि बालक का जो विकास होता है, विकास होने में जो उसका एक और आधार माना गया है वो आधार क्या है, वंशानुक्रम है। यानी कि वंश के आधार पे जो प्राप्त गुण बालक में होते हैं उसी गुण के आधार पर क्या होता है, बालक का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास में जो मुख्यतः पहला आधार बताया गया वो क्या बताया गया, वंशानुक्रम बताया गया, ठीक है। उसके बाद विकास का जो दूसरा आधार बताया गया है वो बताया गया है वातावरण। वातावरण, वातावरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और दूसरा है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ जो हमारा वो तथ्य है वही क्या हमारा कहलाता है, वातावरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है उसमें वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि बालक जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के परिवेश में रहता है, उस परिवेश का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, जिस आधार पे उस बालक का क्या होता है, विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास के जो मुख्यतः आधार बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक है ये है विकास के कारण। विकास के कारण कौन कौन से हैं, तो विकास के मुख्यतः दो कारण हैं। विकास के मुख्यतः कितने कारण हैं, मुख्यतः दो कारण हैं, एक है परिपक्वता, दूसरा है अधिगम। परिपक्वता क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है कि बालक में जो भी गुण होते हैं जब वो प्रौढ़ हो जाता है तो उन गुणों की नवीन विशेषताएं क्या होती हैं, विकसित होती हैं, जिसके माध्यम से उस बालक में मांसपेशियों का, स्नायु का क्या होता है, अस्थायित्व होता है, जिसके माध्यम से बालक का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास में परिपक्वता भी एक कारण है जिसके माध्यम से बालक का विकास होता है। और जो दूसरा कारण है वो है अधिगम। अधिगम को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और लर्निंग का जो अर्थ होता है वह सीखना होता है, जबकि अधिगम का जो मुख्य अर्थ होता है या हम कह सकते हैं कि व्यापक जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है, व्यवहार में
परिवर्तन। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के विकास का जो अगला रीजन है वो क्या है, अधिगम। बालक क्या करता है, अपने वातावरण में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सीखता रहता है। उस सीखने के आधार पर क्या होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखने को मिलता है, और उस परिवर्तन के माध्यम से क्या होता है, उस बालक के विकास होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विकास के जो मुख्यतः कारण बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, परिपक्वता है और अधिगम है। ठीक है, इस तरह से हमारा जब अगला टॉपिक जो है वो है मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कि जो मानव का विकास होता है इस विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं जिसके माध्यम से मानव का विकास होता है। पहला जो है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के बारे में हमने आपको अभी बताया कि माता पिता के द्वारा जो प्राप्त गुण होते हैं वही गुण क्या कहलाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, जिसके माध्यम से पैतृक के द्वारा वह बालक में आता है और उस गुण के माध्यम से उस बालक का विकास होता। अतः हम कह सकते हैं कि एक शिक्षित माता पिता के बालक शिक्षित हो सकते हैं। और ये जो वंशानुक्रम चलता रहता है कितनी पीढ़ियों तक चलता रहता है, 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव विकास में वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। उसके जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि बालक का दादा दादी नाना नानी या उसके पूर्व जो भी पूर्वज हैं उनके अंदर जो भी गुण एवं विशेषताएं होंगी उन गुण एवं विशेषताओं का विकास उस बालक के अंदर होता है। और विकास होने का जो तथ्य है या जो तत्व है वो कौन सा तत्व है, वंशानुक्रम है, जो विकास को प्रभावित करता है। अगला है पर्यावरण, जिसे हम वातावरण के नाम से जानते हैं। अब बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जो अगला तत्व है वो पर्यावरण है और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि बालक के बुद्धि पर पर्यावरण का 99% प्रभाव पड़ता है, जिसके माध्यम से बालक का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है बालक का उसी वातावरण के अनुरूप उसका क्या होता है, विकास होता है। हम कह सकते हैं कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला जो अन्य कारक में अगला कारक है वो है वातावरण या पर्यावरण। ठीक है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रजा। देखिए मानव की बात कर रहे हैं, मानव विकास है ना, तो मानव विकास की जो भी प्रजातियां, जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ आदिवासी हैं, ठीक है, कुछ नगरीय हैं, कुछ शहरीय हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रामीण हैं, जो व्यक्ति जहां पे निवास करता है। हमारे देश में क्या चलता है, जातिवाद भी चलता है, संप्रदायवाद भी चलता है। तो जिस प्रकार की उनकी प्रजातियां होंगी उसी प्रकार से उनके उस मानव पे या उस बालक पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और हम कह सकते हैं कि विकास में प्रजाति का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है बुद्धि। बुद्धि बुद्धि को हम क्या करते हैं, बुद्धि को हम मापते हैं, और मापने के लिए जो हमारा तथ्य है वो क्या है, बुद्धि लब्धि है। और बुद्धि लब्धि का जो जो सूत्र दिया है वो किसने दिया, टर्मन ने दिया। वो सूत्र क्या है, आई की बराबर क्या है, कौन बताएगा, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे सब। ठीक है, तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, बालक की बुद्धि लब्धि को जान सकते हैं। ठीक है, तो बालक के बुद्धि लब्धि को जानकर हम बालकों को क्या करते हैं, श्रेणीगत कर लेते हैं। और श्रेणीगत में क्या करते हैं, पहला सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालक को लेते हैं, उसके बाद से सामान्य बालक को लेते हैं, और उसके बाद से मंद बुद्धि बालक को लेते हैं, है ना। तो प्रतिभाशाली बालक की जो आईक्यू लेवल बताई गई है टर्मन के अनुसार 140 या इससे अधिक बताई गई है, सामान्य बालकों की जो आईक्यू लेवल बताई गई 90 से 110 बताई गई है, और मंद बुद्धि की जो आईक्यू लेवल बताई गई है वो 70 से कम बताई गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस बालक की बुद्धि यानी कि आईक्यू लेवल जितनी होगी उसी आधार पर उस बालक का विकास होगा। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के विकास में बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है लिंग। लिंग का तात्पर्य पर क्या है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष से। ठीक है, स्त्री और पुरुष से आपको पता होगा कि स्त्रियां जो होती हैं कोमल स्वभाव की होती हैं, पुरुष जो होते हैं कठोर स्वभाव के होते हैं। ठीक है, जो स्त्रियां होती हैं उनके अंदर रटने की क्षमता अत्यधिक होती है, जो पुरुष होते हैं उनके अंदर समझने की जो क्षमता होती है अत्यधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने पे या विकास में लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला है संस्कृति। संस्कृति का तात्पर्य पर क्या है, हमारी रीति रिवाज परंपराओं से, हमारे कल्चर से। ठीक है, कि जिस संप्रदाय के हम रहते हैं, जिस संस्कृति को हम अपनाते हैं, जिस रीति रिवाज परंपराओं को हम अपनाते हैं उसका प्रभाव हमारे विकास पे पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि संस्कृति का भी हमारे
मानव विकास पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद से हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या? ग्रंथियों का स्राव। अब हमारे अंदर जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनका भी हमारे विकास पे प्रभाव होता है। जैसे थायराइड नामक ग्रंथियां जिसका स्राव होता है तो थायरेक्सिन नामक स्राव होता है जिसके माध्यम से हमारे हड्डियों का क्या होता है, विकास होता है। तो इस तरह से हमारे अंदर अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं जिसके स्राव होने से हमारे शरीर पे, हमारे विकास पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रंथियों के स्राव का भी प्रभाव हमारे विकास पे पड़ता है। ये भी मानव विकास को प्रभावित करने वाले एक तत्व है। ठीक है, अगला है रोग व चोट। क्या होता है कि बहुत से ऐसे बालक होते हैं जिन्हें कुछ गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं जिनके माध्यम से उस बालक का विकास नहीं हो पाता। तो रोग भी एक प्रकार का एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा बालक के विकास में क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई बालक है जिससे मस्तिष्क रूपी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, जिस समस्या के माध्यम से उसके मानसिक विकास नहीं हो पा रहे। कोई ऐसे बालक हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूपी समस्याएं हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप है जिसके माध्यम से उसके विकास में अवरुद्धता या बाधा उत्पन्न होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास को प्रभावित करने में रोग का भी प्रभाव है, चोट का भी प्रभाव। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है, अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसके माध्यम से उसका विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास में रोग एवं चोट का भी प्रभाव पड़ता है। अगला है पोषण। पोषण पोषण के बारे में आपको अत्यधिक पता होगा। क्यों? क्योंकि अरस्तु ने एक कथन कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, जब तक बालक का शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक उसका विकास, उसका मानसिक ग्रोथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बालक को पोषण की आवश्यकता है, उसे पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, उसे शुद्ध भोजन की आवश्यकता है। और जब तक बालक की क्षमता के अनुसार भोजन ग्रहण प्राप्त नहीं होंगे तब तक उसका क्या हो सकता, उसका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बन सकता है जिसके माध्यम से उसका विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाला जो अगला तथ्य है या जो अगला कारक है वो क्या है, पोषण है। ठीक है, उसके बाद से अगला है शिक्षा। अब देखिए, हमारे मानव विकास को प्रभावित करने वाला जो मुख्यतः तथ्यों में जो तथ्य बताया गया है वह है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा भी हमारे मानव विकास पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, जैसे माना गया है कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो क्या पशु के समान है। अतः हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है और जिस प्रकार से उसके अंदर शिक्षा का विकास होगा, जिस प्रकार से वह शिक्षा ग्रहण करेगा उस प्रकार से उस बालक का विकास होगा। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। शिक्षा के द्वारा ही बालक के जितने भी पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, इन सभी पक्षों का विकास संभव है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा भी मानव विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। ठीक है, अब इस आधार पे जो भी हमने आज टॉपिक पढ़े हैं, इस टॉपिक के आधार पे कुछ आप लोगों को प्रश्न बताना है और वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके आधार पे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, जिसमें पहला जो प्रश्न है वह है, हरलाल महोदिया ने विकास से होने वाले जो परिवर्तन है उस परिवर्तन के प्रकार कितने बताए हैं। तो कितने इन्होंने प्रकार बताए, चार प्रकार बताए। कौन कौन सा प्रकार इन्होंने बताया? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, नई आकृतियों की प्राप्ति, पुरानी आकृतियों का लोप। ये चार प्रकार के परिवर्तन किसने बताया? हरलाल महोदिया ने बताया। ठीक है, अगला है मुख्यतः विकास के आधार कौन है। तो मुख्यतः विकास के आधार कौन है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, दोनों। अतः हम कह सकते हैं कि जो मुख्यतः विकास के आधार है वह अ और ब दोनों है। ठीक है, इसी रूप में हमारा जो अगला प्रश्न है वह विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से। तो हमने अभी पढ़ा विकास को प्रभावित करने वाले कारक बुद्धि भी है, संस्कृति भी है और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं जिसके माध्यम से हमारे विकास पे प्रभाव पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आसन कौन सा होगा, ये सभी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य है। अनुपात में परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? पहला है सभी अंग एक समान रूप में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सभी अंग एक समान रूप में नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का विकास कम होता है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है अ और स दोनों। यहाँ पे देखिए अ नहीं होना चाहिए, ब होना चाहिए।
व और स्व दोनों। हमने आपको जब पढ़ाया कि अनुपात में परिवर्तन, तो बताया कि सभी अंग एक समान अनुपात में विकसित नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन व जो होगा ये सही होगा कि सभी अंग एक समान रूप में नहीं बढ़ते। दूसरा होगा, हमने ये भी बताया कि अन्य अंगों की अपेक्षा सिर का जो विकास होता है वो धीमी गति से होती है ना। तो क्या होगा, व और स्व ऑप्शन दोनों सही होगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सिरपुंछीय विकास। सिरपुंछीय विकास क्या है, सिरपुंछीय विकास में क्या, पैर से सिर की तरफ विकास, ठीक है, सिर सिर्फ सिर का विकास। अगला है सिर्फ से पैर की तरफ विकास, और अगला ऑप्शन है ये सभी। हमने आपको जब मानव अभिवृद्धि एवं विकास बताए थे, पढ़ाए थे, तभी हमने बताया था कि ये मान लीजिए कि एक मानव प्राणी है तो इसका विकास किस रूप में होता। हमने बताया था कि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेने के उपरांत तो उसके शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा इसके मस्तिष्क जो होते हैं बड़े होते हैं और इसका भार भी अत्यधिक होता है, ठीक है, हमने ये बताया था। तो जो विकास होता है वो किस रूप में होता है, सिरपुंछीय होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद से धड़ का विकास होता है, धड़ के विकास के बाद उसके अन्य अंगों का विकास होता है, जैसे हम कह सकते हैं यकृत, हृदय, लीवर, या हम कह सकते हैं कि हाथ पैर, यानी कि सिर के तरफ से, सिर से पैर की तरफ का जो विकास होता है उसे हम सिरपुंछीय विकास के रूप में जानते हैं। और इसमें जो हमारा अगला ऑप्शन सही है वो है सिर से पैर की तरफ का विकास, यानी कि राइट आंसर जो है वो 100 नंबर सही है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाइए और हमारे वीडियो को देखिए, जिसके द्वारा आपका बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का विषय पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको बताया जाएगा। थैंक यू।